दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। चीर प्रतीक्षा के बाद एक बड़ी उपलब्धि बिहार के झोली में मिल गया है। दरअसल कई वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की कोशिश की जा रही थी, मांग की जा रही थी, और अचानक से जयंती के 100वें जयंती के उपलक्ष्य में अचानक से केंद्रीय जो सरकार है, केंद्रीय जो सत्ता है, वो घोषणा करती है कि कर्पूरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आरएलजेडी के तरफ से, यानी उपेंद्र कुशवाहा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पार्टी के तरफ से इस जो खुशी में एक जुलूस जो है निकाला जा रहा है, और इस जुलूस को नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इस पार्टी के जो कद्दावर लोग हैं, नेता हैं, वो सारे लोग इस पूरे सम्मान में आज जुलूस निकाले हैं और जो कर्पूरी जी की जो प्रतिमा है वहां पर जाएंगे और वहां जाकर उन्हें फिर से माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि करेंगे। चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर। अध्यक्ष महोदय, क्या स्थिति है? अगर ये मरणोपरांत इनको चिर प्रतीक्षा थी, मरणोपरांत ये बहुत बड़ा जो है उपहार मिल रहा है बिहार को। देखिए, पहली बार आज कल नरेंद्र मोदी जी ने और केंद्र की सरकार ने बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। आज ये हम लोगों का कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र की सरकार को आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ से अपने पार्टी कार्यालय से कर्पूरी ठाकुर जी के स्मारक तक जा रहे हैं, और बिहार की जनता में, खास करके गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों में बहुत अपार खुशी है कि मरने के बाद आज कर्पूरी ठाकुर को केंद्र की सरकार ने और भाई नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया है। भारत रत्न से विभूषित किया गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी, बिहार के लिए भी। लेकिन सवाल ये है कि सारे लोग, जितने भी दल हैं, ये कह रहे हैं लगातार कि ये मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। आप लोग भी यही कहते नजर आ रहे हैं। अब किसे माना जाए कि किसके वजह से? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जो दल ये दावेदारी कर रहे हैं, खास करके जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते थे, वे लोग कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से काफी दूर चले गए थे। उन लोग कभी नहीं चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, लेकिन बिहार की जनता की हार्दिक इच्छा आकांक्षा थी, और माननीय नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता के आकांक्षा को देखते हुए भारत रत्न दिया है। इसमें उन दलों का, जो दल ये दावेदारी कर रहे हैं, उनका कोई इसमें सहयोग नहीं है, कोई उनका हाथ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय सत्ता जो है वो लोहा गर्म देखकर उस पर हथौड़ा चला दी है, क्या ये सच है? बहुत सही समय पर और सही तरीके से भाई नरेंद्र मोदी जी ने इनको अपना भारत रत्न दिया है। बहुत समय पर दिया है, किसी का हथौड़ा मारने से नहीं हुआ है, बल्कि बहुत समय पर, अनुकूल समय में नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, ये जो कोशिश थी, जिस तरह से इनकी जो मृत्यु हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर की, इसके लिए एक आयोग को गठित किया गया था कि इनकी मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक से नहीं, किसी और कारण से हुआ था। इसकी जांच जो है, अभी तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, ये न्याय नहीं मिला है। क्या इसके लिए भी आवाज उठाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक आयोगों की बात है, अब तक जो सरकारें आयोग बनाती रही है, आयोगों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। बहुत सारे बिहार में आयोग बना, ये भी आयोग बना है, और मैं समझता हूँ कोई निष्कर्ष तक ये आयोग नहीं पहुँचेगा। और आज के तारीख में जो भारत रत्न मिला है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है बिहार में, बिहार के शोषितों का, बिहार के वंचितों का, बिहार के कमजोर तबका के लोगों का सबसे बड़ा उपलब्धि है। आज जश्न है पूरे बिहार में। आज तमाम दल के लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ। हम सुबह तेजस्वी यादव का बयान सुन रहे थे, डिप्टी CM का, वो भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आज तक वो लोग नहीं कर पाए। खुद अपने आप को कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से वो लोग भटक गए हैं, वो परिवारवाद में समाहित हो गए हैं। कर्पूरी ठाकुर कभी परिवारवाद नहीं किए, मरने के बाद भी उनका घर पहले जैसा था वैसा ही रहा। वो बहुत उत्पीड़न झेले, इसके बावजूद भी समाजवाद के झंडे को कर्पूरी ठाकुर ने झुकने नहीं दिया। बहुत शुक्रिया। एक सवाल आपसे है, सवाल ये कि कल जो आप लोग ने वहाँ पर कार्यक्रम किया था उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि तीन भाई जो कर्पूरी जी से ज्ञान प्राप्त किए थे उसमें एक लालू जी, दूसरा नीतीश कुमार और तीसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा जी का था। दो लोगों की बातें हो रही थी कि दोनों लोगों का सफाया हो चुका है, मतलब अब उनके आधार पर वो काम नहीं कर रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी चूंकि आप उस पार्टी से हैं तो निश्चित तौर पर उनकी बड़ाई तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कहाँ तक ये सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात को यानी कर्पूरी जी के सिद्धांतों को बिहार के पटल पर उतारने में सक्षम था? देखिए, आपको सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी इन्हें सबसे पहले मांग किया था कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले, और जो कि आज जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा किए हैं। ये हम लोग काफ़ी जो है खुशी होकर के हम लोग पार्टी बना रहे हैं। अभी हम लोग अबीर खेलेंगे, गुलाल खेलेंगे, मिठाई बांटेंगे, ये पूरा उत्सव का माहौल बनाएंगे। लेकिन आप जानिए कि सबसे पहले इसकी मांग जो हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही किया था, जिनकी मांग पर अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी भारत रत्न की घोषणा किया है। और शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ ये लोग जो हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो परिस्थिति बन रही है वो ये कि अब उपेंद्र कुशवाहा के खेमे से ये बात सामने आ गई है कि भाई मुहर नरेंद्र मोदी ने उसी के ऊपर लगाया है जो एनडीए के सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, और लगातार उन्होंने डिमांड करते रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि और क्या कुछ लोग बयान देते हैं और कैसे कैसे बयान देते हैं। हम बने रहे हमारे साथ।